हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि आज के हम लोग किस वीडियो में बात करेंगे कोंटेटिको की हाफ सेंचुरी के बारे में। और मैं दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो कोंटेटिको थे वो पहले खेलते थे मुंबई इंडियंस की तरफ से। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अब कोंटेटिको खेलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि कोंटेटिको की हाफ सेंचुरी कितनी गेंदों में लगी थी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कोंटेटिको ने अपनी हाफ सेंचुरी को मिला के पूरी की थी 34 गेंदों में। जिस तरह मैं आप सब लोगों को बता दूं कि कोंटेटिको की अपनी इस हाफ सेंचुरी में कुल मिलाकर 9 पाउंड्रीज शामिल थी। और मैं आपको बता दूं कि वह 9 पाउंड्रीज 9 के 9 चौके थे। मैं आपको बता दूं कि कोंटेटिको ने अपनी इस पारी में एक भी छक्का नहीं जड़ा था। वही बात कीजिए स्ट्राइक रेट की, तो मैं आपको बता दूं कि कोंटेटिको की स्ट्राइक रेट यही थी 47.06 की, जो कि देखा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लगभग ठीक ठाक से स्ट्राइक रेट है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब कोंटेटिको थोड़ा सा तेज खेल रहे थे, वह दोस्तों केला हाउस काफ़ी ज़्यादा तेज खेल रहे थे। यानी दोस्तों आप अटैक तो थोड़ा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी कोंटेटिको थोड़ा सा कर रहे थे वही के राहुल काफ़ी ज़्यादा। इसी दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कोंटेटिको ने अभी ये वाली हाफ सेंचुरी पूरी की थी, उस समय लखनऊ सुपर जायंट्स को मिला के 9.4 ओवर्स खेल चुकी थी। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 9.4 ओवर्स खेल के कुल मिला के 96 रन बना लिए थे, वो भी बिना कोई विकेट खोए। वही बात कीजिए पूरे के पूरे टोटल स्कोर की, तो मैं आपको बता दूं कि कोंटेटिको ने पूरी की पूरी 61 रन की पारी खेली थी। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद उन्होंने 85 के बाद पूरी की पूरी गेंदें वेस्ट की। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 61 रन से वाले पूरे के पूरे 45 गेंदों में बनाए, जिस उनकी इस 61 की पारी में वही 9 छक्के शामिल थे। और वही दोस्तों उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा था। वही बात कीजिए ईशा गेट की, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी ईशा रेट यही थी 135.56 की, जो कि देखा है तो दोस्तों लगभग ठीक ठाक सी ईशा रेट थी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कोंटेटिको की ये पारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यह पे कुल मिला के चेन्नई सुपर किंग्स ने 210 रन का लक्ष्य दिया था। और मैं आपको बता दूं कि कोंटेटिको की इस पारी की कारण वह लक्ष्य चेस हुआ। लेकिन दोस्तों इस पर कोंटेटिको का हाथ नहीं, इसमें एविल न्यूज का भी हाथ था। दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा हाथ ही एविल न्यूज का था। यहाँ पे दोस्तों कोंटेटिको ने 3 से मदद की इस लक्ष्य को चेस करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुल मिला के 210 रन का लक्ष्य दिया था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जीत भी गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन यहाँ पे कोंटेटिको की जगह एविल न्यूज बने थे प्ले ऑफ द मैच। और दोस्तों एविल न्यूज कैसे बने प्ले ऑफ द मैच वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद कर दो आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और वैसे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो टीम बन चुकी है, जो यानी कि दोस्तों हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस करा है। यानी मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि ये सबसे लंबा लक्ष्य था ऐसे 74 चौके दोस्तों चेस कर पाए लखनऊ सुपर जायंट्स। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कितनी खतरनाक है लखनऊ सुपर जायंट्स, इसलिए क्यों क्या जा रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि एम आई को कोंटेटिको को रिटेंड करना चाहिए था या नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कोंटेटिको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। वैसे तो दोस्तों मैं आपसे ये वाला सवाल पूछ रहा हूँ कि कोंटेटिको को रिटेंड करना चाहिए था या नहीं। तो अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में।